तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं मान्या किचन, और मान्या किचन हमेशा आपके साथ कुछ न कुछ आपके लिए नया लेके आती है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या किचन में। आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार देते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारा वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज है हमारा फुल बॉडी वर्कआउट, सो हम रेडी हो चुके हैं। और सबसे पहले हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मान्या किचन में, जहां पे मैं पोस्ट करती हूँ अपने वर्कआउट डेली रूटीन। डेली रूटीन इन द सेंस की डाइट जो मैं करती हूँ वो पोस्ट करती हूँ आपके साथ, आपके लिए। और क्योंकि वर्कआउट के साथ हमें अपना डाइट का भी ख्याल करना ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए डाइट को जो है ना अच्छे से ख्याल में रख करके और तब हम वर्कआउट करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो एक किसी भी एक चीज को करने से हमारा वर्कआउट जो है ना, हमारा वेट लॉस जो है ना, वो नहीं होने वाला है। तो हमें दोनों को फॉलो करना है और अच्छे से फॉलो करना है। इसे फॉलो करने के लिए हम करते हैं अपना वर्कआउट 10:30 से 11:30। उसके बाद मैं अभी थोड़ी सी, जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि मैं उतनी फिट नहीं हूं, तबीयत खराब होने की वजह से अभी बहुत सारे ज्वाइंट पेन हमारे जो है ना खुले नहीं है, तो इसलिए मैं पूरी तरह से फिट नहीं हूं। तो जितना वर्कआउट हो पाता है मैं उतना करती हूँ, क्योंकि इससे होगा क्या ना कि हम जो इनटेक कर रहे हैं कैलोरी, उससे हमारा फैट या वेट जो है ना गेन नहीं होगा, तो मेंटेन रहे। अभी हमारा यही मोटिव है कि हमारा वेट जो है मेंटेन रहे, गेन ना हो, और जब हम प्रॉपर ठीक हो जाएंगे तो उसके बाद जो है ना फिर से हम सीरीज बनाना शुरू करेंगे फर्स्ट डे से।
भाई। Yeah.
आज मेरी गर्दन कट जा रही है यार। चलिए दोस्तों, आज का वर्कआउट तो यहीं पे खत्म हुआ और फर्स्ट वर्कआउट जो हाफ आवर हुआ वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं लेट हो चुकी थी ऑलरेडी। मेरे चेहरे पे लाल लाल आ गए वर्कआउट करने से, ऐसे ही ग्लो भी आएगा हम लोग के चेहरे पे यार, चमकेंगे हम लोग कुछ दिनों में। ये 2 महीने का कमाल है, बीमार होने के बावजूद भी मैं चमक रही हूँ, बड़ी बात है। चलिए दोस्तों, मैं शेयर कर दे रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। मैंने एक बनाना लिया था, साथ में मैंने 2 से 3 बादाम, 2 काजू, 3 दाना क्या कहते हैं पिस्ता लिए थे, 1 चम्मच भर के सब्जा सीड ली थी मैं, साथ में मैं ली थी 1 अंजीर, 2 टुकड़ा वॉलनट, मतलब एक होल वॉलनट को आप छिलके निकालते हो 2 पार्ट निकलते हैं, वो 2 पार्ट मैं ली थी बस, मतलब एक होल वॉलनट ली थी। और ये था मेरा आज का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। अब हम चलेंगे लंच में, पहले हम पियेंगे कुछ एनर्जी के लिए अपने, देखेंगे मेरे किचन में क्या है, नहीं कुछ नहीं मिलेगा तो मैं सत्तू पीऊंगी। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 मग का वार्म वाटर, इसके बाद मैं लूंगी अपना सत्तू वाला ड्रिंक, क्योंकि 1:30 बजे लंच करेंगे तो हमें अभी बहुत टाइम है, अभी 12 बज रहा है, तो हम 12:30 बजे लेंगे अपना सत्तू वाला ड्रिंक, या फिर एक एप्पल भी आप ले सकते हैं चाहे तो, या फिर रोस्टेड चूड़ा रखे हैं वो ले सकते हैं, या चूड़े को आप रोस्ट कर सकते हैं घर पे बहुत ही आसानी से, और बहुत आसान होता है। आप चाहे तो नमक में रोस्ट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा ऑयल डालिए और ऑयल को इतना गर्म कीजिए जिससे कि उसमें ना धुआं निकलने लगे, और धुआं निकलने लगेगा ना उसके बाद उसमें डालिए आप अपना चूड़ा, उसको खूब अच्छे से गर्म पे जल्दी जल्दी चला लेना पड़ता है थोड़ा सा, और भुनिए वो खूब अच्छे से, एक एक चूड़ा ना खूब बढ़िया से पफ हो जाता है और बहुत बढ़िया बन जाता है, और जब भुन जाए तब उसमें आप डाल सकते हैं नमक, या फिर करेंटली आप गरम गरम चाहते हैं सब्जी के साथ भी आप ना उस चूड़े को भून सकते हैं। लहसुन प्याज और मिर्ची डाल के भुनिए, बहुत टेस्टी लगता है, साथ साथ प्याज का ना कुरकुरा हो जाता है तो बड़ा मजा आता है उसके साथ खाने में, प्याज वाला चूड़ा, लहसुन वाला चूड़ा, साथ में आप आलू भी थोड़ा सा पतला पतला काट करके, जैसे फिंगर वाली भुजिया बनाते हैं हम लोग, पतली वाली जीरा भुजिया कहते हैं उसे बिहार में, तो जीरा भुजिया जैसे बनाते हैं उससे भी थोड़ा सा उसे पतला कर लीजिए, या फिर ग्रेट कर लीजिए सबसे अच्छी बात है, और थोड़ा सा पड़ता है क्योंकि ज्यादा नहीं डालेंगे तो फिर वो हलवा हो जाएगा, तो थोड़ा सा डालिए, 1 छोटा सा आलू ग्रेट कर लीजिए, उसे भून लीजिए
और उसके बाद उसमें ऐड कर दीजिए। एक चीज हम आज अपने ग्रुप में सुन रहे थे, लाइफस्टाइल चेंज करने का, शुगर जो है रिप्लेस करने का, तो बहुत सारी चीजें हैं हमारी इर्द गिर्द, चीनी की इतनी सारी चीजें फैली हुई हैं, इतनी सारी चीजें फैली हुई हैं, या फिर हम बचपन से खाते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी खाते आ रहे हैं, तो चीनी हमें परमानेंट हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, उसे कम कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो इसके लिए हमारे पास क्या था, हम जब फेस्टिवल आता है तो उसके लिए तैयारी करते हैं, दीपावली भी आया, छठ पूजा आया, गोवर्धन पूजा आया, तो इसके लिए हम लोग स्पेशल तैयारी किए, तो वैसे ही हम लोग स्पेशल तैयारी कर सकते हैं, फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं। बाकी दिनों में हम अपना चीनी को स्किप कर सकते हैं, चीनी की जगह पे गुड़ ले सकते हैं, खांड आता है खांड लीजिए, धागे वाली जो ताल मिश्री आती है वो ताल मिश्री आप ले सकते हैं, पर ताल मिश्री भी बहुत दिन आप नहीं रख सकते, उसमें ना एक अजीब सा स्मेल आने लगता है, तो वो इतना ही लाए कि महीने में खत्म हो जाए या 10-15 दिन में खत्म हो जाए, इतना ही लाए। लेकिन लाइफस्टाइल हम चेंज नहीं कर, हमारे घर जो पकवान बनता था, रोज पुआ पूरी तो कभी बनता नहीं था, रोज पराठे बनते नहीं थे पुराने जमाने में, हमारे दादी बाबा के जमाने में रोज हलवा नहीं बनता था, तो कब बनता था, जब मेहमान आते थे तभी पूड़ी बनता था, तभी हलवा बनता था, या कभी बहुत किसी का मन किया तो बन जाता था। तो वैसे ही हम लोग इंजॉय कर सकते हैं, वही पुराने लाइफ स्टाइल को हम फॉलो करके और अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा बना सकते हैं, हमें किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम परमानेंट नहीं छोड़ सकते हैं, तो लाइफ इंजॉय भी करना है, हमें अपने को फिट भी रखना है, स्वस्थ भी रखना है, और साथ में एक्सरसाइज थोड़ा बहुत भी ऐड करेंगे तो हम फिट रह सकते हैं। तो यही मुझे आपसे शेयर करना था, और पानी पीने के साथ साथ तो हमने सोचा कि जरूर आज शेयर करेंगे, क्योंकि बात हो रही थी वहां उसमें कि हम चीनी को परमानेंट छोड़ दें, जब हम प्रोटीन ऐड करते हैं, जो भी हर्बल लाइफ प्रोटीन ऐड करते हैं, या फिर ओजीवा का प्रोटीन, बहुत सारी कंपनी प्रोटीन पाउडर बना रही है ऐड करते हैं, और हम फॉलो करते हैं, वेट लॉस करते हैं, और फिर उसी पूरी पराठे पे आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारी डाइटिशियन जो है ना, हमें पराठे भी खाने की रेसिपी देती है, आपको सप्ताह में खाना है, 15 दिन में खाना है, महीने में खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, वो सब कुछ करती है। तो यदि हम डाइटिशियन को नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम उसे खुद से, बहुत सारी रेसिपी चैनल पे अवेलेबल है, बहुत सारी हमारी डाइटिशियन एक्टिव हैं चैनल पे, तो उससे क्या होता है ना कि हम अपने उस वीडियो को, उनकी वीडियो को देख करके हम अपने डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, ओवर ईट करने से बच सकते हैं। ओवर ईट ना कीजिए, बाकी सब हमारा सब अच्छा है। तो हमें यही आपके साथ बात करना था, यही शेयर करना था। तो इसी तरह से हम लोग लाइफ स्टाइल फॉलो करें, और इसी तरह से फॉलो करके हम स्वस्थ रहते हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा वेट ज्यादा है बट मैं स्वस्थ हूँ, मैं अच्छे अच्छे काम कर लेती हूँ, भारी भारी काम कर लेती हूँ, मैं पटनी पे चढ़ के अपना काम कर लेती हूँ, और मेरे पति एक से एक नाम देते हैं मुझे तो मैं सारा काम कर लेती हूँ, भारी कितना भी वजन रहता है ना, 15 किलो 20 किलो भी मैं उठा लेती हूँ और सीढ़ी लेके चढ़ जाती हूँ, तो इस क्या ये पॉसिबल नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ और बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। अभी तबीयत तो हर किसी की खराब हो जाती है जब वायरल फैलता है, तो अभी वायरल फैला है तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ, बट इतना भी डिस्टर्ब नहीं हूँ कि मैं अपना काम नहीं कर सकती हूँ। कल मैं पैदल गई थी और मैं पैदल आई दवा लेके, सामान भी कुछ लेना था घर का, तो वो सामान भी लेके मैं पैदल ही आई हूँ। तो कितना भी दिक्कत हो, मैं अपने आप को हमेशा पुश करती रहती हूँ, हमेशा पुश करती हूँ। प्रॉब्लम है, मैं धीरे धीरे गई, धीरे धीरे आई, पर पैदल गई जिससे कि मेरा एनर्जी जो है ना बर्न हो, उससे थोड़ा सा भी तो बर्न होगा, 50 कैलोरी बर्न होगा, होगा तो इसलिए पैदल चलिए जितना हो सके। और नहीं है, पैदल चलना हम अपने स्वास्थ्य के लिए चलते हैं, और ऐसे भी जब मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी तो पैदल ही मैं निकल जाती थी, कभी कभी शाम को बिना काम का मैं निकल जाती थी, बिना काम का, और काफी दूर तक मैं चल के आती थी, आधा घंटे से ऊपर ही चल जाते, मतलब आपको काम नहीं है, सिर्फ रोड पे चलना है, तो आधा घंटा 45 मिनट बहुत अच्छे से लग जाता था, और मेरा वर्क भी कर लेती थी, एनर्जी भी बंद कर लेती थी, और अपना काम भी करके आ जाती थी। तो चलिए हम अपना पानी को खत्म करते हैं, और उसके बाद हम लेंगे 12:30 बजे अपना ड्रिंक, जो कि सत्तू वाला लेंगे, कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास, ड्राई फ्रूट्स ले चुकी हूँ, तो वही लेंगे, और आज एक मजेदार रेसिपी भी शेयर करेंगे आपके साथ।
तो इस तरह से रेसिपी अलग अलग चेंज करके हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। अब रोटी खाने की मुझे कोई तलब नहीं होती है, बहुत कम मैं रोटियां बनाती हूँ, जब हस्बैंड रहते हैं तो ही मैं प्रॉपर रोटी बनाती हूँ। अदरवाइज आटा गुथा है फ्रिज में तो बना ली, या फिर कभी मन किया 3 दिन 4 दिन पे तो मैं बना ली, या फिर इस तरह से अलग अलग रेसिपी में मैं बना करके ना इंजॉय कर लेती हूँ। तो आज की रेसिपी बहुत मजेदार होने वाली है, उस रेसिपी को मैं प्रॉपर शेयर करूंगी, जरूर देखिएगा आप लोग। तो चलिए खत्म करते हैं अपना ड्रिंक। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने किचन में और सारी सब्जियों को कट कर लिए हैं। यहाँ पे है लहसुन, ये है प्याज, ये शिमला मिर्च, ये है एक टमाटर मीडियम साइज का, धनिया पत्ती है, ये है सगा प्याज का नीचे जो व्हाइट वाला पार्ट होता है वो, और थोड़ा सा ग्रीन वाला, ये पत्ता गोभी, और ये है पालक। यहाँ पे स्किप हो रहा है तो वो है हरी मिर्च जो मैं अभी लेके आ रही हूँ। यहाँ पर मैं लेके आ गई हूँ हरी मिर्च। अब हमारा नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है वो है हाफ कटोरी रवा। तो पहले रवा को हम लोग फ्राई भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे। रवा भूनने की गैस ऑन करेंगे। सूजी हमारा रोस्ट हो चुका है तो हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक दूसरे बर्तन में और सेम पैन को हम यहाँ पे ले लेंगे। अब यहां डालेंगे हम जरा सा ऑयल, उसके बाद जाएगा मस्टर्ड सीड्स, साथ में हम ऐड करेंगे हींग। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम क्या यहाँ पे बनाने वाले हैं। और अब जाएगा यहाँ पे करी पत्ता जो कटा है पड़ल पड़ल, और यहाँ पे गया अब ये कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा इसे भूनेंगे। और अब जाएगा यहाँ पे प्याज, प्याज को लाइट पिंक होने तक हमें भुनना है, बहुत ज्यादा हमें से नहीं भुनना। तो हमारा प्याज यहाँ पे भुन चुका है और इस स्टेज पे सारी सब्जियों को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो पहले गया टमाटर, उसके बाद गया हरा प्याज, थोड़ा सा डालेंगे, पूरा नहीं पत्ता को भी डाल रहे हैं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा फिर। और जो मैंने पालक दिखाया था ये भी पूरा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि ये साफ करके काट लिए शाम को सूप बनाने के लिए, इसे भी ऐड करेंगे। यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च भी ऐड कर देंगे, साथ में ऐड करेंगे हम सॉल्ट एज पर टेस्ट, और इसे करेंगे हम मिक्स। खूब अच्छे से मिक्स करेंगे, चला लेंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे हाफ चिली, और अब बारी आती है पानी ऐड करने की। तो यहां पे हम ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी, तो ये गया मेरा 2 ग्लास पानी। और खूब अच्छे से इनको मिक्स करके सब्जियों में बॉयल आने देंगे। आप चाहें तो इस तरह से मिक्स वेज पालक का सूप भी बना करके तैयार कर सकते हैं और इसे रात में डिनर में एंजॉय कर सकते हैं। तो आज मैं पालक का सूप बनाऊंगी ना वो ऐसे ही बनाऊंगी। तो चलिए इसमें बॉयल आने देते हैं, फिर ऐड करेंगे हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। तो यहाँ पे हमारी सब्जियों में खूब अच्छा सा बॉयल आ गया है, और बॉयल आते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है, सब्जियां भी कुक हो चुकी हैं। थोड़ा सा इसे हम और कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट और, जिससे हमारा पालक ना अच्छे से कुक हो जाए। बाकी सारी सब्जियों को एज इट इज भी हम खा सकते हैं, थोड़ा सा कच्चा भी, लेकिन पालक जो है ना कच्चा खाने पे वो गैस पे प्रॉब्लम होता है, तो पालक अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। तो चलिए हमारी सब्जियां कुक हो गई हैं 2 से 3 मिनट और, हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना ये भुना हुआ रवा और इसे मिलाते रहेंगे वरना गुठलियां बन जाएंगी। पिछली बार मैं बनाई थी अभी तो उसमें ना गुठलियां बन गई थी, बहुत दिक्कत हुआ था मुझे थोड़ने में। इसे चलाते हुए डालेंगे, गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे, उसके बाद इसे ऐड कर देंगे और इसे अब हम पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारा उपमा जो है ना आलू उपमा रेडी हो गया है, धनिया ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे मूंगफली, और पनीर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है पनीर, और सॉरी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पनीर और मूंगफली, इससे हमारा प्रोटीन जो है ना उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। मिक्स करेंगे, तो फाइनली हमारे यहाँ पे ना
उपमा बनके, पालक उपमा बनके रेडी हो गया। चलिए इसे सर्व करते हैं। यहां पर मैं ले ली हूं एक प्लेट और ये हाई प्रोटीन उपमा हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो ये लंच का हमारा आज का ये रहा लंच, तो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूं। और नमक मैंने टेस्ट किया था तो इसका टेस्ट भी हम कर लिए। बहुत यमी बना है, बहुत यमी, जरूर ट्राई कीजिएगा। और हम ऐसे ही आपके लिए हर वक्त नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे नए नए तरीके से। मैं जब पालक पास्ता बनाई थी ना, बीटरूट और पालक पास्ता, तो मुझे उससे ख्याल आया था कि इस तरह से हम उपमा भी बना सकते हैं और काफी यमी बन सकता है वो। ऑसम ऑसम बना है। तो ये उपमा रेसिपी हमारा बन के रेडी है और हम इंजॉय करेंगे अपना उपमा। उपमा में ना घी का टेस्ट एक जो है ना बहुत कमाल का लगता है, इसलिए मैं कम तेल डालती हूं और ऊपर से घी डाल के इसे और टेस्टी बना लेती हूं। आज हरी हरी सब्जियों के साथ ये उपमा जो टेस्टी बना है ना, मुझे लग रहा है कि इतना टेस्टी उपमा हम खाए ही नहीं थे। मुझे याद है मैं उपमा बनाती हूं, हमेशा अच्छा बनता है, लेकिन ये इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट है। मैं एक बार स्कूल में लेके गई थी तो वहां उपमा सुन करके हमारी टीचर्स जो है ना वो कहें कि उपमा अच्छा नहीं लगता है हमें, पता नहीं कैसा बनता है। लेकिन वहां क्या होता था कि हम लोग सब लोग शेयर करके खाते थे, तो जो भी अपना टिफिन ले जाता था सब एक दूसरे शेयर करता था। तो हम भी अपना उपमा शेयर किए, बोले कि मैम आप एक बार टेस्ट करके तो देखिए। उन्होंने टेस्ट किया, खाया तो कह रही कि आपका उपमा तो एकदम ही डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट, मैंने ऐसा उपमा नहीं खाया, काफी अच्छा हुआ है, अच्छा बना है। इससे पहले मैं उपमा खाई थी तो मुझे नहीं पसंद आया, तो तब से मेरी उपमा का वो दीवानी हो गई और मुझे अभी तक उनकी बात याद है। हम उनसे तो दूर हो गए हैं, फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, बट उनका बात मुझे याद है। और जब भी मैं बहुत लोगों को उपमा खिलाती हूँ तो उनको मेरा ये उपमा की रेसिपी बहुत पसंद आती है, तो ये उपमा को भी जरूर ट्राई कीजिएगा आप। नॉर्मल उपमा तो हम हमेशा बनाते हैं प्याज टमाटर लहसुन मिर्ची डाल के, ये पालक और जो पत्ता गोभी डाल के हम बनाए हैं इसके साथ जरूर ट्राई कीजिएगा। जितना हेल्दी है उतना यम्मी है, मजा आ गया। लंच हम फिनिश करते हैं, मिलेंगे शाम को। ओके okay?